क्या आपको रात को नींद नहीं आती है? रात को नींद आने में बहुत देरी लगती है? ये समस्या आपको हफ्ते में 2-3 बार से ज़्यादा हो रही है, कंटिन्यूस 3 महीने से ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, तो आप अनिद्रा की समस्या से पीड़ित हो या हो सकते हो। ये इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में करीबन 50 से 60% लोग ऐसे हैं कि जिनको ये अनिद्रा की समस्या है। अब यंगर जनरेशन में भी ये काफ़ी कॉमन नहीं पाया जाता है, करीबन 20 से 30% लोगों में ये यंगर जनरेशन में ये पाया जाता है। तो इसको कैसे आप कम करें और कैसे क्योर करें, उसके बारे में मैं कुछ टिप्स दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका स्लीप रूटीन आप सेट करिए, जैसे कि सोने से पहले आप गर्म पानी से बाथ ले सकते हो, या आप रीडिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपना एक डायरी लिख सकते हो जिसमें पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, दूसरे दिन आपको क्या क्या करना है, ये टू डू लिस्ट वगैरह आप लिख सकते हो। काफ़ी हद तक इससे आपके एंजाइटी स्ट्रेस कम हो जाएगी। आप एक ग्लास दूध ले सकते हो रात को सोने से पहले, खासकर बेडरूम में, आपके बेडरूम में जहाँ आप सोते हो वहाँ मोबाइल वगैरह अवॉइड कीजिए, ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। सोने से पहले 1-1.5 घंटे पहले बिल्कुल मोबाइल यूज़ मत करिए। टीवी वगैरह बेडरूम में नहीं होना चाहिए, लैपटॉप भी नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि ब्राइट लाइट जो मोबाइल की आती है उससे आपकी जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो कम हो जाती है, और ये हार्मोन नींद आने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये हार्मोन कम हो जाएगी तो आपको नींद, स्लीप क्लॉक आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए स्क्रीन टाइम जो है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी वगैरह सोने से पहले बिल्कुल मत देखिए। उसके अलावा आप अपना स्लीप हाइजीन का ध्यान रखिए, जैसे कि आपका रूम का टेम्परेचर कितना है, लाइट कितनी है, नॉइज़ कितना है आपके रूम में, आसपास कितना नॉइज़ है, वेंटिलेशन रूम का कैसा है, आप जो बेड पे सो रहे हो वो कंफर्टेबल है कि नहीं, पिलो आपका कंफर्टेबल है कि नहीं, आपने जो कपड़े का पहने हैं वो कंफर्टेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके अलावा कई अननोन जगह पे आवाज़ आ रहा है तो आप ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हो, आई कवर कर सकते हो। एक्सरसाइज सोने से इमीडिएट पहले बिल्कुल मत कीजिए। डिनर आप 3 से 4 घंटे पहले लीजिए सोने से। मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो खास करके स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो तो वो डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। और लास्ट में नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें आपके पार्टनर के साथ बेडरूम में कभी मत कीजिए, इससे नेगेटिव वाइब्स बनती है और वो कंटिन्यूस आपके इम्पेयर करेगी आपकी नींद को, नींद को ख़राब करेगी। इसलिए ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दूसरे ग्रुप में, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में जरूर फॉरवर्ड करिए। मैं डॉक्टर गुंजीत परमार, लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट अहमदाबाद गुजरात से। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट करिए और यूट्यूब पे मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखना है तो नीचे यूट्यूब पे लिंक प्रोवाइड की गई है, अनिद्रा के ऊपर पूरा वीडियो है, आप नीचे लिंक के ऊपर क्लिक करिए और देख सकते हैं। थैंक यू।